The all-new Canon EOS R8 जिसके अंदर काफी प्रो फीचर्स हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी जो मुझे लगता है कि वेडिंग फोटोग्राफर्स और ब्लॉगर्स के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, तो मैं इस वीडियो में इसका फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ। बट उससे पहले जल्दी से EOS R8 की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है Canon EOS R8 की कैमरा बॉडी। इसको मैं पिछले कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करते हो, वीडियोस बनाते हो, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि हमारे इंडियन वेडिंग्स के लिए हमें अपने कैमरा से पांच चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, फोकसिंग बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए, स्लो मोशन में हम वीडियो शूट कर सकें, लॉग में वीडियो निकाल के हम बाद में एडिटिंग में उसको बढ़िया कलर ग्रेड कर सकें, और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका बैटरी परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए ताकि हमारा कैमरा शूट करते हुए बंद ना हो जाए। और Canon EOS R8 में ये पांचों चीजें हमें मिल जाती हैं, जिस वजह से 1.5 लाख के अंदर इंडियन वेडिंग्स के लिए ये बहुत बढ़िया फुल फ्रेम कैमरा का ऑप्शन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल ओवरव्यू से। सबसे पहली चीज जो मुझे Canon मिररलेस कैमरा में बढ़िया लगती है वो है ग्रिप, और इसके अंदर काफी डीप ग्रिप दी हुई है। स्पेशली अगर आप वीडियो बनाते हो तो इसको वन हैंड भी यूज करना काफी ईजी रहेगा। देन यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच दिया है जो अगेन बहुत बढ़िया चीज है, जहां से मैं फोटो और वीडियो में सिर्फ इस लिवर को यूज करके स्विच कर सकता हूँ फ्रॉम फोटो टू वीडियो मोड। फिर आता है वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है वेरी एंगल LCD स्क्रीन। तो मैं किसी भी एंगल पे इस स्क्रीन को घुमा सकता हूँ। स्पेसिफिकली अगर मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरा कैमरा क्या देख रहा है, और अगर आप वेडिंग में भी वीडियोस बनाते हो तो आप टॉप एंगल या लो एंगल लेना चाहते हो, वहां पे भी ये स्क्रीन काफी काम आने वाली है। और नीचे की तरफ यहाँ पे मुझे बैटरी का सेक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ कैमरा स्टोरेज भी अंदर ही दी गई है। एंड टॉकिंग अबाउट बैटरी, इसमें एक चीज इंप्रेसिव है कि आप कंटिन्यूअसली वीडियो शूट कर सकते हो अप टू 2 आवर्स, वो भी फुल HD में 30 FPS पे, और ये टेस्ट किया गया है। तो अगर आप वेडिंग में शूट कर रहे हो, आपको कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करनी है, तो 2 घंटे तक आप इजीली इतने छोटे साइज के कैमरा में और इस बजट में आप कंटिन्यूअसली शूट कर सकते हो। देन यहाँ पे UHS-II SD कार्ड स्लॉट भी है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, या शायद आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। अब इंटरेस्टिंगली EOS R8 में मूवी डिजिटल IS एक फीचर आ गया है, जिसको यूज करके हम अपनी वीडियो को फर्दर काफी ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो चलते हुए या हल्का बहुत मूवमेंट है, तो मूवी डिजिटल IS आपको हेल्प करेगा अपनी वीडियो को और ज्यादा स्टेबलाइज करने में। और अगर आप RF माउंट का लेंस यूज कर रहे हो, जहां मोस्टली हमें IS मिल जाता है, उस कॉम्बिनेशन को यूज करके आपकी जो वीडियो है वो फर्दर और ज्यादा स्टेबल बन सकती है। अब अगर मैं वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूं, तो आप EOS R8 को यूज करके अनक्रॉप्ड 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो, और अगर आप स्लोमो शूट करना चाहते हो तो आप फुल HD पे 180 FPS तक इजिली शूट कर सकते हो। और अब इस कैमरा में Canon Log 3 में भी शूट कर सकते हो, और यहाँ पे मैं अगर आपको डिफरेंस दिखाऊं, आप क्लियरली देख सकते हो कि एक लॉग फुटेज को अगर आप ग्रेड करते हो तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल लुक एंड फील दे सकते हो। T-Log से आप 2 मेजर बेनिफिट ले सकते हो। पहला है कलर ग्रेडिंग, जो आप एडिटिंग में बहुत अच्छे से कलर को प्रोसेस कर सकते हो, और दूसरा चीज है डायनामिक रेंज, जो आपको नॉर्मल वीडियो से C-Log में ज्यादा मिलता है। अब अपनी इंडियन वेडिंग में सबसे ज्यादा कॉमन इशू होता है लो लाइट परफॉर्मेंस का, बट मैं Canon EOS R8 को अप टू 25,600 ISO तक लेके जा सकता हूँ, और काफी ही कम नॉइस के साथ अपनी फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब अगर मैं फोकसिंग की बात करूँ, तो Canon है तो ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस तो हमें पता ही है कि एकदम बढ़िया फोकसिंग करता है, कोई चांस नहीं है कि आपका फोकस हंट हो या फोकस मिस हो। बट एक चीज मुझे बढ़िया लगी, R8 में आपको 100% फोकस कवरेज मिलता है। तो बेसिकली आपका कैमरा खुद से, आप खुद मैनुअली टैप करके फ्रेम में कहीं पे भी फोकस अचीव कर सकते हो। तो अब अगर आप मान लेते हैं रिंग सेरेमनी शूट कर रहे हो, वरमाला शूट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा इवेंट है जहां बहुत चीज़ें पूरे फ्रेम में हो रही हैं, तो अब आप Canon R8 की मदद से अपने सब्जेक्ट को हमेशा फोकस में रख सकते हो। और सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट ही नहीं, इस कैमरा को यूज़ करके आप ऑलमोस्ट हर एक एनिमल या व्हीकल को फोकस में रख सकते हो। तो अगर मैं Canon EOS R8 के साथ कॉम्बो की बात करूं, तो आप इजीली 2 से 3 लेंस लेके 2 लाख के अंडर अपनी एक किट बना सकते हो। मान लेते कि आप 16mm और 85mm या 50mm लेंस लेते हो, या इवन जो अपना ऑलराउंडर 24-105 लेंस है, इसको भी आप कंबाइन करके अराउंड 2 लाख के अंडर अपनी एक वेडिंग में वीडियो के लिए किट इजीली बना सकते हो। अब Canon EOS R8 सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं, फोटोग्राफर्स के लिए भी बना है। तो इसके अंदर है 24.2 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर। तो अगर मैं क्रॉप सेंसर से कंपेयर करूं, बेसिकली आपको ज़्यादा डायनामिक रेंज मिलने वाली है, और लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स होती हैं मोस्टली रात के टाइम या इंडोर होती हैं, तो वहाँ हमें बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए होता है जो फुल फ्रेम सेंसर से मिल सकता है।
और हमारी इंडियन वेडिंग्स में रिंग सेरेमनी या कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है उसमें हम फोटो को मिस नहीं कर सकते, जिसके लिए इस कैमरा के अंदर अप टू 40 FPS पे आप फोटो शूट कर सकते हो, वो भी ऑटो फोकस ऑटो एक्सपोजर ट्रैकिंग के साथ। नाउ आई एम श्योर आप ऐसे कई लोग ब्लॉगर्स या वीडियो क्रिएटर्स हो गए, उस हिसाब से भी ये मुझे कैमरा काफी प्रॉमिसिंग लगा, बिकॉज वन इसमें आपको क्वालिटी मिलती है, रेजोल्यूशन है 4K 60 FPS या फुल HD में मैं 180 FPS तक शूट कर सकता हूँ, तो स्लो मोशन बहुत ईजी है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। उसके बाद आप बढ़िया ब्लर इफेक्ट के साथ वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज फुल फ्रेम है तो लो लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड ऑब्वियसली हमें फ्लिप स्क्रीन मिलती है जो अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम अपने आप को फ्रेम में ईजिली देख सकते हैं। और इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी भी है, जिससे बेसिकली मैं वायरलेसली अपना डेटा भी ट्रांसफर कर सकता हूँ और फोन को यूज़ करके कैमरा को भी मैनेज कर सकता हूँ। तो ऑल ओवर कैनन यूएस R8 मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग कैमरा लगा, स्पेशली अगर आप वेडिंग में वीडियो बनाते हो, सिनेमाटोग्राफी करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, या इवन अगर आप व्लॉगिंग करते हो, इस बजट में 1.5 लाख के अंदर काफ़ी प्रो लेवल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।